आज उचाणा हल्के की मीटिंग में हमने जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है उनको बुलाया गया था उनकी ड्यूटियां लगाने के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 9 तारीख को 12 बजे पानीपत में आ रहे हैं। एक तो उनका बीमा सखी के नाम से प्रोग्राम है महिलाओं को मजबूती देने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए और उनके बीमा के अंदर और भागीदारी करने के लिए विशेष तौर से आ रहे हैं। तो महिलाओं की हाजिरी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इसके साथ साथ जो उस दिन 2 लोकार्पण भी वो करने का काम करेंगे। एक तो जम्मू कटड़ा जो हमारे जो रोड जो बना है जो हरियाणा का पार्ट है उसका भी उसके अंदर जो है वो उसका लोकार्पण करेंगे हाईवेज का, और एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी उद्घाटन करने का काम करेंगे करनाल के अंदर डिजिटल माध्यम से, और उसी के लिए आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने का काम किया है। तमाम हमारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उचाणा से पानीपत पहुँच करके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के अंदर पहुँच करके उनके विचार सुने। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो मैं समझता हूँ अलग अलग गुट है। कहीं कोई हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं सुरजेवाला जी का गुट है, और इसीलिए उनके सामने ये समस्याएं जो है आ रही है वो अपना कोई तय नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और धरातल के अंदर जाएगी क्योंकि अलग अलग गुटों के अंदर बटी हुई है, लोगों का विश्वास हो चुकी है। जहाँ तक हरियाणा का इश्यू है, हरियाणा के अंदर तो कोई इश्यू है नहीं किसानों का। हमने 24 की 24 फसलें वहाँ खरीदने का काम कर रहे हैं। अब तक हमने सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया है। हमने डायरेक्ट DBT के माध्यम से किसानों की फसलों का जो है वो पैसे हम डायरेक्ट किसानों के खातों के अंदर हम देने का काम कर रहे हैं। किसानों की जो मांग थी कि हमारी जो शिकायत निवारण के लिए कोई ना कोई कमेटी बनाई जाए, उनकी मांग के ऊपर जो माननीय हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं नवाब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी गई है कि ताकि उनकी कोई भी जो ग्रेवेंसीज है वो सुनने का काम उनकी जो कमेटी करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की कोई भी ऐसी कोई है ग्रेवेंसीज हरियाणा की तरफ से नहीं है। जहाँ तक दिल्ली कूच करने की बात है, कोई भी जा सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से पहले जो दिल्ली के अंदर हुआ लाल किले के अंदर, उसके लेकर के सरकार उसके बारे में सचेत है। सर, भाजपा महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस द्वारा लगातार EVM के ऊपर दोष लगाया जा रहा है कि EVM हैक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब 5 सीटें यहाँ पे जीती लोकसभा के अंदर, तब तो EVM सही थी, तब तो EVM खराब नहीं थी, तब तो कह रहे थे कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उन्होंने एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया था। लोगों को संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के जिस तरीके से उन्होंने भ्रमजाल फैलाया था कि यह भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलने का काम कर देगी, तो इस तरीके की प्रोपगंडा, इस तरीके की झूठ फैला करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, इसलिए कांग्रेस को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों वो चुनाव जो हार रहे हैं, वो अपने लोगों का विश्वास खो चुके हैं। EVM खराब नहीं है, EVM तो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि जहाँ चुनाव जीते हैं वो ठीक है, जहाँ चुनाव अगर हारे तो EVM खराब।